हाय, गुड इवनिंग सबको। एक्चुअली वेलकम है। ये वीकली व्यू है। नेक्स्ट वीक के लिए क्या होगा? नेक्स्ट वीक वीकली व्यूज आई एम एक्चुअली गिविंग यू राइट नाउ, एंड लेट्स सी व्हाट एक्चुअली आई हैड गिवन यू द वीकली व्यू लास्ट टाइम। सो फॉर पीपल हु आर न्यू टू आवर चैनल, गो अहेड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू विल गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट। जो भी नए हैं इस चैनल के लिए, सारा आप एक्चुअली सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारा नया वीडियो जो भी है आपको मिलता रहे। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर रहा हूँ ताकि आप सबको एक्चुअली ठीक तरह से समझ में आते। तो लास्ट वीक व्हाट वी हैड टॉक्ड इज अंटिल वी होल्ड 17,650 मार्केट इज गोइंग टू बी बाय ऑन डिप्स। ओके, वी हैड टॉक्ड अबाउट टिल 16,400। वन सेकेंड, नहीं आई थिंक ये ओल्ड वाला वीडियो है। एक मिनट, आई थिंक यहाँ पर एक्चुअली हमने ये बोला था, ये एक्चुअली मिस हो गया है, शायद वहां पर मिस हो गया है। यहाँ पर हमने बोला था कि निफ्टी निफ्टी जब तक एक्चुअली हम 17,650 के ऊपर है तब तक बाइंग है। तो आप देखोगे यहाँ पर हम बेरिश हो गए हैं। आपके लिए इस बार हम बेरिश हो गए हैं, एंड ऑल राइस इज सेलिंग अपॉर्चुनिटी। अभी हमारा पूरा व्यू जो है पूरा का पूरा चेंज हो चुका है, ठीक है। अंटिल वी क्लोज अबाउट 17,800, इसके ऊपर क्लोज करेंगे तभी एक्चुअली हम बुलिश मानेंगे, तब तक हम बेरिश है मार्केट के लिए। तो नेक्स्ट वीक का रेंज हम क्या देख रहे हैं? नेक्स्ट वीक का रेंज हम देख रहे हैं 17,000 से लेकर 17,650। ओके, मेरे हिसाब से ये भी नहीं होगा, 17,500-550 ही हो सकता है, बट हायर साइड में बोल रहा हूं। अगर हम इफ वी ब्रेक 17,650 विच इज अनलाइकली, या हम एक्चुअली इसको बोलेंगे 17,700 कर देते हैं, ठीक है। 17,700 का अगर बाई चांस ब्रेक कर लेते हैं, बहुत मुश्किल है, अगर होता है तो हम क्या कर सकते हैं, 17,800 या उससे ऊपर जा सकते हैं, बट वो हमें नहीं लगता है कि होगा। वी डोंट एक्सपेक्ट मार्केट टू ब्रेक दिस। अगर इफ वी ब्रेक, वी कैन प्रॉब्ली गो ऑन द हायर साइड। इफ वी ब्रेक 17,700, देन वी कैन गो टुवर्ड्स 16,800। सो 16,900-950 आंसर है। आई डोंट थिंक वी विल गो बिलो दिस फॉर दिस वीक। ओके, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अस टू गो बिलो दिस वीक। ठीक है, इस हफ्ते हमारा एक्सपेक्टेशन यही है कि 17,000 से 17,650-700 यहाँ तक एक्चुअली हमारा एक्सपेक्टेशन है। जब तक हम एक्चुअली 17,800 के ऊपर क्लोज नहीं करेंगे, हमारा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको एक चीज बता देता हूँ। What has happened? Here we have a bearish engulfing, ठीक है? उसके बाद we have made a new top. There is a lower top. हमारा lower top बना है, ये एक bottom बना है। इसके नीचे अगर bottom बन जाता है, if we get a bottom below this, we can assume that market is heading downwards from here. Market is heading downwards. So until unless I am not actually expecting the market again to start moving on the higher side, most likely it will move on the downside. If we make a lower bottom, if we don't make a lower bottom, then possibility is we will remain in this range. अगर ये bottom नहीं बनाता है तो 17,300-17,200 यहाँ पर support आएगा और फिर से हम उछालने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर मार्केट में भी मोर ऑन द रेंज बाउंड, हम एक्चुअली एक रेंज में रह सकते हैं।
ठीक है, 17,300, 250 से 300, देखो यहां पर बहुत अच्छा सपोर्ट है, 17,200, 250 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। वी हैव गॉट मल्टीपल टाइम्स वी हैव बाउंस बैक, यहां पर बहुत बार हमने बाउंस बैक किया है, तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट माना जाएगा। यहां पर देखिए ये 17,350, 400 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बाय चांस टुमारो वी ओपन समवेयर एट द बॉटम, देखो एज पर एसजेएक्स निफ्टी वी आर ओपनिंग समवेयर अराउंड 17,450 काइंड ऑफ थिंग, पॉसिबिलिटीज वी विल कम डाउन अनदर 100 पॉइंट्स, 50-100 पॉइंट्स इज पॉसिबल, बट फ्रॉम हियर द पॉसिबिलिटी इज वेरी हाई, वी विल रादर बाउंस बैक, ओके, देन पॉसिबिलिटी अगेन वी विल कम डाउन, ओके, सो वी नीड टू बी केयरफुल, मार्केट इज डेफिनेटली सेल ऑन एवरी राइस, हर एक उछाल पर बिकवाली ही होगी अभी पर, जब तक हम 17,800 के ऊपर सस्टेन नहीं करेंगे, टिल वी डोंट क्लोज अबाउट 17,800 वी आर नॉट सीइंग एनी बाइंग इन द इंडेक्स पार्ट, स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज विल बी देयर, नॉट ऑल स्टॉक्स विल गो डाउन, सारा स्टॉक्स नीचे नहीं जाएगा, और यहां पर बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रांग है, देखो 17,500 इज अ वेरी स्ट्रांग इंपॉर्टेंट लेवल, नाउ 17,500 इज अ प्लेस वेयर वी हैव 20 सिंपल मूविंग एवरेज, बिलो दैट शॉर्ट टर्म इज गोइंग टू बिकम वीक, ओके, फॉर बैंक निफ्टी 38,500 इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट दैट विल एक्ट एज सपोर्ट राइट नाउ। लास्ट टाइम हमने ये बोला था कि जब तक हम ये कहाँ पर है, ये शायद एक्चुअली ये कोई नया वो ओल्ड वाला आ रहा है, तो हमने यहाँ पर बुलिश ही बोला था, जब तक हम 38,500 से नीचे नहीं जाएंगे करके बोला था, तो यहाँ पर हम बेरिश हो रहे हैं, ठीक है, एंड ऑल राइस इज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी अंटिल वी क्लोज अबाउट, यहां पर 39,500 के ऊपर हमको क्लोज चाहिए, जब तक हम 39,500 के ऊपर का क्लोज नहीं देखेंगे तब तक हम बेरिश है, वी आर नॉट सीइंग मार्केट गोइंग अप अंटिल अनलेस वी आर गोइंग टू क्लोज अबाउट 39,500, सो द रेंज वी आर लुकिंग इज अराउंड 38,000 टू प्रोबेबली 39,500 आई विल टेक, बट आई डोंट थिंक वी विल गो ऑन द अपसाइड, ओके, और वी विल एक्चुअली कंसिडर, ओके, वी विल कंसिडर हियर इफ वी ब्रेक फॉर एग्जाम्पल 39,500, बट विच इज अनलाइकली टू हैपन, अगर ये हो जाता है देन प्रोबेबली वी कैन गो टूवर्ड्स 39,800 टू 40,000, विच इज नॉट लुकिंग पॉसिबल, बट आपको बता रहा हूं। ऑन द अदर हैंड अगर हम 38,000 को ब्रेक कर लेते हैं, इफ वी ब्रेक 38,000 देन वी कैन एक्चुअली गो डाउन क्वाइट लॉट, देखो यहां पर शायद 37,500 तक भी जा सकते हैं, यहां पर आप देखोगे इफ वी आर ब्रेकिंग दिस, सी दिस इज इंपॉर्टेंट, इफ वी ब्रेक दिस मे बी दिस, सी करंटली दिस इज अराउंड 38,500 रेंज एंड दिस इज अराउंड 37,900 विच इज अराउंड 38,000, सो हियर देर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अराउंड 17,000, 37,600, 700, सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट टू ब्रेक, सो सी इफ वी आर लुकिंग ऑन शॉर्टिंग लुक इन निफ्टी, बैंक निफ्टी इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर, अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को कंपेयर करोगे तो बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, खरीदना है तो बैंक निफ्टी का सोचना है, अगर बेचना है तो निफ्टी का सोचना है, ट्राई टू लुक एट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ओनली इन निफ्टी, डोंट लुक एट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इन बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में एक्चुअली अभी भी स्ट्रेंथ है, अभी भी वहां पर उछल कूद आ सकती है, तो थोड़ा सावधानी रहना है, बट अभी के लिए मार्केट दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही बेरिश हो चुका है, ठीक है, अभी
नेक्स्ट वीक के लिए मैं तो आपको दो स्टॉक समझा रहा हूँ। देखो लास्ट वीक हमने समझाया था टाटा मोटर्स का, और मैंने आपको लेवल्स भी बोला था। मैंने लेवल्स बोला था अगर ये 450 के आसपास आ जाता है तो आपको अच्छा मौका है। ये उससे नीचे भी आया, उसके बाद देखो ऑलमोस्ट यहाँ से 450 के बाद आप देखोगे तो 470, ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स का मूव वहां से मिल गया है। देखो यहाँ पर भी मुझे खास एक्चुअली कुछ खास नहीं लग रहा है। यहाँ पर ब्रेकआउट था बट यहाँ पर खास कुछ नहीं हो रहा है। वी सॉ गुड ब्रेकआउट हियर बट हियर नथिंग मच इज हैपनिंग, सो वी आर नॉट रिकमेंडिंग एनी काइंड ऑफ अ बाइंग इन टाटा मोटर्स। इफ यू हैव बॉट, इफ यू हैव नॉट एग्जिटेड, बेटर टू एग्जिट वेर एवर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, सो कमिंग बैक टू दिस, वी आर टॉकिंग अबाउट टू स्टॉक्स। दो स्टॉक्स हम एक्चुअली रिकमेंड कर रहे हैं। लास्ट वीक हमने एक्चुअली बोला था अदानी पोर्ट्स। एक्चुअली एक देखो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पर भी ब्रेकआउट था, उसके बाद यहाँ पर उसको फॉल्स ब्रेकआउट बन गया। तो वॉट इज हैपनिंग इज हियर इट इज बेटर टू बी ऑन द सेल साइड। अदानी पोर्ट्स इज मोर लाइकली टू गो डाउन। यहाँ पर हम एक्चुअली यहाँ तक तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अदानी पोर्ट्स जाएगा। तो हर एक उछाल में यहाँ पर बेचने का सलाह है। तो अदानी पोर्ट्स इज लाइकली टू बी इन द रेंज ऑफ 850 ऑन द हायर एंड एंड पॉसिबली 750, 760, 770 एट द लोअर एंड। तो पॉसिबिलिटी इज वेरी हाई इट विल कम डाउन, सो डोंट एक्चुअली लुक एट एनी काइंड ऑफ अ बाइंग हियर। इट इज गोइंग टू बी मोर लाइकली ऑन द सेल साइड एंड इफ इट स्टार्ट्स ट्रेडिंग बिलो 800 देर इज इजीली 30 पॉइंट्स डाउन साइड पॉसिबल। ओके, बिलो 800 वी शुड सी एटलीस्ट 30 पॉइंट्स डाउन साइड। सो अदानी पोर्ट्स इज अ सेल ऑन राइज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, सेल ऑन राइस। इफ वी गो ऑन द हायर साइड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू सस्टेन अबोव 850 प्लस। 850 के आसपास ये एक्चुअली यहां पर फिर से बिकवाली आ सकती है, तो यहां पर सावधान रहिए। ये सेलिंग के लिए अच्छा मौका मिल सकता है। आपको कंफर्मेशन के साथ सेल करना है। यहाँ पर 60 RSI के नीचे उसको क्लोज करने दीजिए। एक बार वो क्लोज कर देता है तो यहाँ से अच्छा सा नीचे के साइड आ सकता है। ठीक है, जब तक वो नहीं करेगा थोड़ा बहुत यहाँ पर उछल कूद करेगा। ये एक्चुअली अच्छा सपोर्ट है 780 के आसपास। 780 इज गोइंग टू बी ए वेरी स्ट्रांग सपोर्ट, सो फ्रॉम हियर अगेन बाउंस बैक कैन बी एक्सपेक्टेड। सो बी केयरफुल हियर, दिस इज नॉट गुड फॉर बाइंग। डोंट एक्सपेक्ट फर्दर बाइंग टू हैपन हियर। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इट इज ट्राइंग टू मेक अ नेगेटिव डाइवर्जेंस एंड ट्राइंग टू फॉल डाउन। ओके, देर इज अ गुड बाइंग इन BEL। ओके, BEL स्टिल इज अ गुड बाई एंड यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड दिस स्टॉक एंड कीप ट्रेलिंग दिस। सो BEL had made a high of 300 and after 300 it is actually broken that and again moved higher. It can actually keep moving higher. Till it keeps moving higher, it can keep moving higher because we are at all time high. हम अभी all time high पर है BEL के लिए। जब तक यहाँ पर ऊपर एक्चुअली जाएगा, जहां तक जाएगा वहां तक जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। देर इज एब्सोल्युटली नो रेजिस्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड इट हैज ऑल द पोटेंशियल टू कीप मूविंग हायर बिकॉज वी आर सीइंग बाइंग, वी आर सीइंग मोमेंटम स्टिल देर। अभी भी यहाँ पर बाइंग दिख रहा है, अभी भी यहाँ पर मोमेंटम दिख रहा है, तो यहाँ पर और ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर कहाँ तक एक्चुअली हमारा एक्सपेक्टेशन है अभी के लिए? 310, 320, 330। जब तक ऊपर जाएगा तब तक जा सकता है। तो नेक्स्ट वीक के लिए हमने आपको ये दो स्टॉक एक्चुअली आपको समझाया है। BEL आपको बाई ऑन टिप्स के लिए है, ठीक है, और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर लगेगा। आप देखो रिस्क जो है आपको 280 के आसपास है, तो 20-25 पॉइंट्स का रिस्क है। तो जब तक एक्चुअली यहाँ पर ऊपर जाएगा वहां तक जाएगा,
तो कहाँ तक जाएगा उसका एक्चुअली कोई अंदाजा नहीं है। इफ इट कम्स इनटू अ साइडवेज जोन, वेट फॉर द साइडवेज थिंग टू ब्रेक आउट। इफ इट कीप्स मूविंग हायर, यू कैन कीप बाइंग एंड होल्डिंग इट। ठीक है, सो इट इज अ पोजिशनल साइड, यू कैन एक्चुअली लुक एट बाइंग। एंड आई हैव टॉक्ड अबाउट अदानी पोर्ट सेल ऑन एवरी राइस। See, this is, you can consider this to be the range. Once it starts going below this, it will go below this. Above this, possibility is it will go sideways. I am not expecting it to go higher. देखो यहां पर हो सकता है थोड़ा यहां से अगर टूट जाता है तो और थोड़ा ऊपर जा सकता है, बट यहां पर साइडवेज होगा, वहां से फिर से नीचे आएगा। यहां पर नीचे आ जाता है तो यहां से पूरा नीचे आ सकता है। तो यहां पर कंफर्मेशन के साथ सेल करना है तो इसको 60 RSI के नीचे ट्रेड करने दो, वहां पर एक्चुअली आपको अच्छा मौका मिलेगा। ठीक है, तो आई होप एक्चुअली आप सबको ये समझ में आ रहा है। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही है। इस हफ्ता मैं एक्चुअली टाइम का थोड़ा चैलेंज था, तो इसलिए मैंने आपको रिकॉर्ड करके यहाँ पर सारा चीजें कर रहा हूँ। देखो दिस टाइम आई हैड सम इश्यू विद द टाइमिंग, सो आई हैव नॉट बीन एबल टू मेक यू अटेंड द लाइव सेशन। सो नेक्स्ट वीक वी विल डू दैट, एंड हुअर इज इंटरेस्टेड यू कैन एक्चुअली बी अ पार्ट ऑफ द मेंटरशिप प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट एंड प्रॉस्पेरस डे। बाय बाय, सी यू गाइस।